हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम BLI का कोर्स कर रहे थे जिसमें हम BLI 2-2-1 कर रहे हैं और हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इवन हमने यूनिट 4 का 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम फर्स्ट लॉ और सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोज़ देख लीजिए। ठीक है, आज हम फोर्थ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे इस यूनिट में। ये यूनिट 4 है और ये यूनिट होने के बाद हमारा ब्लॉक 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बी पेशेंट, बी कॉर्पोरेट। हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, राइट? चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक रीडर का टाइम सेव करते हैं देन उससे उसको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा, राइट? चलिए देख लेते हैं। द फोर्थ लॉ प्रेजेंट द बिगेस्ट चैलेंज टू द लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर्स। पॉलिसीज मस्ट ऑलवेज बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ द रीडर्स और यूज़र इन माइंड। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो चैलेंज तो है ही है, ठीक है, दूसरा हमेशा हमें यूज़र के नीड को देख के ही हम कोई भी एक पॉलिसी बोलो या सर्विस बोलो, कुछ भी हम कुछ भी बनाते हैं तो हम यूज़र को देख के बनाते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें यूज़र को सर्व करना है। तो सेव द टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन एक्सेस देते हैं तो इससे कितना सेव टाइम होता है, उससे स्टाफ का टाइम बचता है कि यूज़र कैपेबल, हमने उसको कैपेबल किया, हमने फर्स्टली उसको गाइड करेंगे कुछ दिन कि हाँ कैसे आप ओपन शेल्फ से कैसे बुक्स निकाल सकते हो, आपकी जो भी रिक्वायर्ड बुक्स है वो कहाँ कैसे तरीके से अरेंज्ड हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट जब वो एबल हो जाएंगे कि हाँ वो खुद से अपनी जो रिक्वायर्ड बुक्स है उसे खुद से ओपन एक्सेस के थ्रू शेल्फ से निकाल सकते हैं, देन स्टाफ का टाइम बचता है। देन वो क्या करेगा, जो उसका स्टाफिंग वर्क है वो उसमें, जो उसके अदर वर्क रह जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। ठीक है, और जो यूज़र है वो अपने मन से ओपन एक्सेस होने की वजह से वो खुद से अपनी जो बुक है, जो भी उसकी रेलेवेंट बुक है, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। इससे क्या होगा कि यूज़र और रीडर का, यूज़र्स और रीडर जो है और जो स्टाफ है उन सब का टाइम बचेगा सेम टाइम। ठीक है, तो सेव द टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी अगर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें टाइम वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए जिससे यूज़र का टाइम वेस्ट हो। कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें वो क्विक हो, ईजीली अवेलेबल हो और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी ना हो, जिससे क्या होगा, सेव द टाइम जो हमारा फोर्थ लॉ है वो फुलफिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल एस्पेक्ट्स लाइक आवर्स ऑफ द ऑपरेशन मस्ट बी सेट इन सच अ वे टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द पेट्रोन हु रिले ऑन द लाइब्रेरी फॉर देयर स्टडी एंड रिसर्च नीड्स। द कलेक्शन मस्ट बी अरेंज इन द इन्वाइटिंग क्लियर एंड ऑब्वियस वे सो एज नॉट टू वेस्ट टाइम फॉर द यूजर इन सर्चिंग फॉर बुक्स दे नीड। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक ऑब्वियस पैटर्न में और क्लियर पैटर्न में हमें हमारी जो अरेंजमेंट है, जो कलेक्शन की अरेंजमेंट है, उसे इस तरह से रखना चाहिए कि जो सर्च करने में यूज़र को ज़्यादा टाइम ना लगे। लाइक ओपैक है, वो ओपैक में देख सकता है कि ओपैक में जो भी उसकी रेलेवेंट बुक है जो उसने सर्च करी है वो कहाँ पर है, क्योंकि ओपैक में आपको उसकी लोकेशन तक पता चल जाती है कैटलॉग में कि हाँ वो किस रैक में है, किस शेल्स में है, ठीक है, और वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो सारे का सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। तो वहाँ से वो विदाउट सर्चिंग होल द लाइब्रेरी वो जस्ट पर्टिकुलर उस सेक्शन में जाके अपनी जो रिक्वायर्ड बुक्स है उसको वो ले सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी यूजर मस्ट बी बिजी पीपल एंड दे शुड नॉट बी मेड टू वेट लॉन्गर देन नेसेसरी टू गेट देयर नीड्स मेट, राइट? ये जो यूजर्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं बिकॉज उनको रिसर्च करनी होती है, उन्हें स्टडी करना होता है, तो उनके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकेंड्स बहुत कीमती होता है। दे शुड नॉट बी मेड टू वेट लॉन्गर देन नेसेसरी टू गेट देयर नीड्स मेट। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना वेट करे। दे शुड गेट एग्जैक्ट एंड फास्ट सर्विस फ्रॉम द लाइब्रेरी। वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि जो लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है वो फास्ट हो और एग्जैक्ट हो, कि उन्हें जो एकदम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो फुलफिल हो जाए, जिससे क्या होगा उनका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट इन मैनी सेटिस्फाइड
इन मेनी इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट में एग्जिस्ट ओनली मोमेंटरली मोमेंटरली एंड अनलेस इट इज सेटिस्फाइड एट द मोमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट मे वैनिश. हेंस द इम्पॉर्टेंट ऑफ द लॉ सेव द टाइम ऑफ द रीडर इट मीन्स सेटिस्फाइड लाइब्रेरी यूजर. इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी मेजर ऑफ द लाइब्रेरी सक्सेस इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट द फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड यूजर मीन्स दैट द लाइब्रेरी हैज फेल्ड इट इन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज ग्रॉसली वॉयलेटेड द डेक्टेट्स ऑफ द फोर्थ लॉ एंड फेल इन इट्स फुलफिलमेंट. लेट नाउ ट्राई टू एनालाइज द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, अगर एक यूजर है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है देन क्या होगा, वो हमेशा चाहता है कि उसे एग्जैक्ट एंड फास्ट सर्विसेज मिले. ठीक है, तो अगर वो चीज नहीं होगी देन क्या हुआ, देन हम जो लाइब्रेरी है वो फेल हो गई है. ठीक है, लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो फेल हुआ है यूजर को सेटिस्फाई करने में. ठीक है, अगर हमेशा उसका यूजर जो है वो फ्रस्ट्रेट रहे और डिसअपॉइंटेड रहे उनकी सर्विसेज से, उनके एटीट्यूड से, देन क्या होगा, हमने जो जो लॉज है उसको वॉयलेट किया है और जो उसकी जो कहते हैं उसकी जो वैल्यू है उसको घटाई है. ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी स्टाफ को वो ख़त्म करी है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं है उनमें, इसलिए वो फेल हो गए उस लाइब्रेरी की जो लॉज है उसको पूरी तरीके से करने में. तो जिससे क्या हुआ कि जो यूजर है वो फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर हमें फोर्थ लॉ को सक्सेसफुल करना है. इवन कोई भी लॉ हो, फर्स्ट लॉ हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हमें सबको सेटिस्फाई करके चलना है. ठीक है, चलिए इम्प्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशन है. इम्प्लीकेशन, जस्ट एज द थर्ड लॉ द फोर्थ लॉ ऑल्सो फील्ड द ओपन एक्सेस सिस्टम इन द लाइब्रेरी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे थर्ड लॉ में ओपन एक्सेस है वैसे ही फोर्थ लॉ में भी ओपन एक्सेस है. ठीक है, ओपन एक्सेस क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि सेव द टाइम होता है ओपन एक्सेस से. ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो जितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस रहेंगे उतने ज्यादा जो सर्विसेज है उतने फास्ट और इजी होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो टाइम है वो बचेगा और जो यूजर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा जल्दी से और वो जो अपना टाइम है उसको वो अपने प्रॉपर जो उसकी रिसर्च या स्टडी है उस पे लगा पाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, द जस्टिफिकेशन इज दैट इज क्लोज एक्सेस लाइब्रेरीज द रीडर आर नॉट अलाउड टू द स्टैक वेयर बुक्स आर शेल्ड एंड हैव टू रिक्वेस्टिजेशन ऑफ बुक्स दे नीड. बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जहाँ पर क्लोज्ड एक्सेस है, जहाँ पर यूजर नहीं जा सकते, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लाइब्रेरी स्टाफ से कि उनकी जो रिक्वायर्ड बुक्स है वो वहाँ से निकाल के देने. ठीक है, तो प्रोसीजर इज जैसे कि मान लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक यूजर है वो आता है लाइब्रेरी में, उसने अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई अगर क्लोज एक्सेस है तो. ठीक है, तो उसने एक लिस्ट बना के दी, वो सारी लिस्ट क्या की एक स्टाफ ने जाके उसको वो अवेलेबल करवाई, उसमें से मान लो कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं है बुक्स में, उसने मना कर दिया एंड देन सम कुछ बुक्स मिली वो उसने उसको लाके दी एंड देन उसने उसको क्या किया, उसने उसे पढ़ा और पाया कि वो उसकी रेलेवेंट नहीं है, देन उसने क्या किया, उसने वो सारी बुक्स वापस कर दी एंड देन फिर उसने अगले दिन फिर से एक और लिस्ट बनाई, प्रिपेयर करी और देन तो जो प्रोसेस है वो फिर से सेम हुआ. ठीक है, फिर से उसने निकाल के दी एंड देन वो क्या कहते हैं, फिर से उसने रियलाइज किया जो बुक है वो रेलेवेंट नहीं है. अब अगर हम ओपन एक्सेस करें तो जो यूजर है वो खुद से जाके चेक कर सकता है, जाके देख सकता है कि कौन सी बुक रेलेवेंट है और कौन सी बुक रेलेवेंट नहीं है उसकी. ठीक है, तो ओपन एक्सेस से बहुत फायदा होता है. इवन आजकल जैसे हम डिजिटल एरा वगैरह में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम जो यूजर है खुद से ही ओपैक में सर्च कर सकता है एंड देन ओपन एक्सेस भी है कि आप खुद से जाओ, पहले आप ओपैक पे सर्च करो और देन उस लोकेशन पे पहुंचो और वहां जाके अपनी रेलेवेंट बुक देखो. ठीक है, तो वो सब कुछ उन्हें खुद से करना होता है तो उनका क्या होता है, वो आराम से उन्हें रिक्वायर्ड जो बुक्स होती है वो आराम से उन्हें मिल जाती है विदाउट टाइम वेस्टिंग. ठीक है, उससे क्या होता है, दो जन का टाइम बचता है, एक तो स्टाफ का टाइम भी बचता है और एक फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती है यूजर को. राइट,
दे आर अदर वेज टू सेटिस्फाई द लॉ. वन ऑफ देम इज फॉलोइंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वुड ब्रिंग टूगेदर बुक्स ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड ऑल्सो रिलेटेड सब्जेक्ट. अनदर वे इज कंस्ट्रक्ट अ वेल डिजाइंड कैटलॉग विच मीट द डिफरेंट अप्रोच टू द रीडर. जैसे कि बताया यहाँ पर और भी तरीके हैं सेव द टाइम के, जैसे कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिससे क्या होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक्स होती है वो एक जगह आ जाती हैं, ठीक है. और दूसरा क्या है, प्रॉपर कैटलॉगिंग, जिससे क्या होता है कि जो जो कैटलॉगिंग से जो प्रॉपरली डिजाइंड है, मतलब उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है. रीडर को कैटलॉग से बहुत फायदा होता है, उसको पता चल जाता है कि जो बुक है वो उसके रेलेवेंट है कि नहीं है, उसके बारे में उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स मिलती है. एंड समटाइम्स वो क्या कहते हैं कैटलॉग्स पे एब्स्ट्रैक्ट भी अवेलेबल होता है, इससे उसे एक अंदाजा लग जाता है कि जो बुक है वो उससे रेलेवेंट है कि नहीं है. देन वो आधा प्रोसेस जो होता है रिजेक्शन का बुक्स का, वो ओपैक पे ही कर लेता है, मतलब कैटलॉगिंग सर्च पे ही कर लेता है, जो वो कैटलॉग देख रहा होता है वो तभी कर लेता है. एंड देन वहां से वो जो कुछ रेलेवेंट निकालता है, देन वो शेल्फ पे जाके उन्हें चेक करता है. देन उसको एक और उसका एक प्रोसेस होता है कि उन बुक्स में से कौन सी उसकी और रेलेवेंट बुक, सबसे रेलेवेंट बुक्स कौन सी है. तो ये प्रोसेस में ये क्या कहते हैं कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन से बहुत बेनिफिटेड होता है. उससे क्या होता है कि जो टाइम वेस्टिंग है वो बहुत कम होती है, और जो टाइम का सही से इस्तेमाल किया जाता है, और जो यूजर है वो अपने नीड को सेटिस्फाई कर पाता है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट विद वाइल कैटलॉग्स आर टूल्स फॉर रिट्रीविंग आइटम एक्यूरेटली, दे बिकेम आइटम दैट वेस्ट द टाइम ऑफ द रीडर इफ आइटम्स आर haphazardly cataloged, if items are haphazardly cataloged or if the cataloging is excessively focused on the intricacies of the technique. यहाँ पे एक और चीज डिपेंड करती है कि जो कैटलॉग है वो बहुत ही एक्यूरेटली उसको बनाया जाता है. वो जो टूल है कैटलॉग का वो बेसिकली क्या करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए. अगर वो सही से नहीं किया जाएगा देन क्या होगा, जो टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा होगा कैटलॉग में से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच हैज अ ग्रेट रेलेवेंस टू द फोर्थ लॉ इज दैट चार्जिंग सिस्टम. मतलब चार्जिंग सिस्टम यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, जो सर्कुलेशन का सेक्शन आता है, जहां पर जो यूजर है वो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए चार्जिंग सिस्टम में. चार्जिंग मतलब इश्यू और रिटर्न में जो बुक लोन के लिए गई है, फॉलोड इन द लाइब्रेरी. अर्लियर सिस्टम वेयर टाइम कंज्यूमिंग एंड सम व्हाट कंबरसम, हेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू द सिंप्लिसिटी एंड प्रोसेस विद अ व्यू टू रिड्यूस द टाइम इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन. एज अ रिजल्ट मॉडर्न सिस्टम लाइक फोटो चार्जिंग सिस्टम, टिकट सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड चार्जिंग सिस्टम, बारकोड सिस्टम एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID सिस्टम हैव बीन इन्वॉल्व. अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द दीज सिस्टम विल लीड टू द सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ टाइम इन द इश्यू एंड रिटर्न प्रोसेस विच द फोर्थ लॉ स्ट्रांगली एडवोकेटेड. जैसे कि जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोर्थ लॉ का, जो इश्यू रिटर्न होता है वहां पर पहले जो प्रोसेस होते थे वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते थे, राइट. तो उन्होंने कोशिश की कि ऐसे वो सिस्टम लेके आए सर्कुलेशन में इश्यू रिटर्न के, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए, जिससे क्या हो कि कम से कम टाइम लगे और ज्यादा से ज्यादा बुक्स जो है वो इश्यू और रिटर्न हो पाए, और यूजर का जो टाइम है सर्कुलेशन सेक्शन में कम से कम वेस्ट हो. तो उसके लिए बहुत तरह के टेक्निक्स आए, जैसे कि फोटो चार्जिंग सिस्टम आए, टिकट आया, कंप्यूटराइज्ड आया, बारकोड सिस्टम आज है, हम सब जानते हैं RFID है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक यू कैन गो थ्रू विद द RFID स्कैनर एंड देन आपकी जो बुक है वो आपकी आईडी के साथ, आपके आईडी में वो एक इश्यू हो जाएगी आपके लिए, एंड देन आप जब वापस आओगे आप वहीं से ही RFID के थ्रू ही आप उसे रिटर्न भी कर पाओगे, राइट. तो ये बहुत अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी के वजह से जो रिडक्शन हुई है टाइम में, मतलब टाइम का जो वेस्टेज है वो बहुत कम हुआ है और टाइम बहुत कम लगता है इश्यू और रिटर्न प्रोसेस में. तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा है फोर्थ लॉ को, फुलफिल कर रहा है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फोर्थ लॉ का, सेव द टाइम ऑफ द रीडर.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट लॉ, फिफ्थ लॉ क्या है। फिफ्थ लॉ, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी क्या है? एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है, ठीक है, जिसका काम है ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना, राइट। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या है? समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वही सेम चीज जो है एक लाइब्रेरी के साथ ही टाइम के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करके आपको उस टाइम के साथ चलना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को वर्क करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करना है, जिससे उसकी ग्रोथ हमेशा बनी रहे, ठीक है। द फिफ्थ लॉ इज लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज ऑफ टू काइंड्स, द चाइल्ड ग्रोथ एंड द एडल्ट ग्रोथ। वी कैन नोटिस दैट चाइल्ड ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन फिजिकल डायमेंशन एंड इट इज फास्ट एंड विजिबल। ऑन द अदर हैंड द ग्रोथ इन एडल्ट इज मेनली इन द नेचर ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल। इट इज काइंड ऑफ द इंटरनल क्वालिटेटिव चेंज विच मे नॉट बी परसीव्ड एंड as such not visible. When we say library is growing organism, we mean that the library is not a static entity but a dynamic growing entity. In other words, a dynamic nature of the library be properly grasped and provided for the right from the time of the starting of the library, so that its growth is not inhibited due to the lack of far स्टेट एंड प्लानिंग। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि दो तरीके हैं, दो काइंड की ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं उनका जो ग्रोथ लेवल होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत विजिबल होता है और ज्यादातर क्या होता है फिजिकल अपेयर में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक अदर हैंड अगर देखें तो जो एडल्ट होता है उसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सेल रिप्लेसमेंट होती है, इंटरनल क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जो कि दिखाई नहीं देती है बट होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की एक जो कहते हैं ग्रोथ होती है, ये दोनों ग्रोथ एक लाइब्रेरी के अंदर होती है, बाय फिजिकल अपेयरेंस भी वो ग्रो करता है और बाय इंटेलेक्चुअल भी वो ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फिजिकल की बात करें, जो स्पेस है लाइब्रेरी का, स्पेस बढ़ा है, फर्नीचर चेंजेस हुए हैं, अरेंजमेंट चेंजेस हुई है, कि जो जो कलेक्शन है लाइब्रेरी का वो बढ़ा है, तो वो क्या हो गया, हमारे एक फिजिकल ग्रोथ हो गई, राइट। और दूसरी ग्रोथ हो गई अगर हम वही उसी जगह पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चीजों को फास्ट कर रहे हैं, हम सर्विसेज फास्ट दे रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यू न्यू सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इवन जो यूजर है लाइब्रेरी का वो कहीं पर भी कभी भी अपने घर में बैठ के भी अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पा रहा है और अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इस तरह की जो क्या इंटेलेक्चुअल क्वालिटी वाइज इंटरनल जो चेंजेस आ रहे हैं ये भी एक ग्रोथ है। तो ये क्या हो गई, दो तरह की ग्रोथ आपने समझी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, When we say the library is growing organism, we mean that the library is not a static entity but a dynamic growing entity. In other words, the dynamic nature of the library be properly grasped and provided for the right from the time of the starting of the library, so that its growth is not inhibited due to the lack of far state and planning. Further analysis, we know that the basic component of the library compares book stock, the resources, staff, reader and physical infrastructure such as building, furniture and equipments. When we say that the library grows, we invest growth in all these components. Naturally, the fifth law has implication for each one of these the component. जैसे कि बताया गया है इसमें कि जो library के basic components क्या क्या है, तो उसकी book या stock या बोल सकते हैं resources, जो material है, जो collection वहाँ available है, फिर staff होता है, ठीक है, फिर readers होते हैं और फिर physical infrastructure होता है जिसमें building, furniture, equipments आ जाते हैं। तो ये सब अगर हम कहते हैं कि library grow कर रहा है तो मतलब ये सब grow कर रहा है, right? अब देख लेते हैं क्या क्या implications है फिफ्थ लॉ के। तो बुक स्टॉक देख लेते हैं, द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बुक
book includes the periodical will be rather fast. This naturally impact the size of the stack room, size of the card cabinet, size of the catalog room, number of the periodical display cabinet and number of the book racks for accommodating the books. Also, as the book collection grows and the newly added books are interpolated in the classification arrangement, there will be a constant movement of the books on shelves. This would necessitate relabeling of shelves periodically. This is essential to reflect the correct position of the arrangement of the books for easy retrieval. जैसे कि बुक स्टॉक की बात की जा रही है तो बुक स्टॉक में बोला जा रहा है कि इसका ग्रो होना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्या कहते हैं एक स्टैक रूम हो गया, कैबिनेट जो कार्ड कैबिनेट हो गया या कैटलॉग रूम हो गया या नंबर ऑफ पीरियोडिकल जो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब पीरियोडिकल को जो डिस्प्ले करने के लिए जो कैबिनेट मंगाया गया है उसमें अगर हम चेंजेस करें, उसको डेवलप करें, मतलब जितना भी मटेरियल रखा है बुक कलेक्शन का जो भी लाइब्रेरी में है, रैक्स हो गया है ना, शेल्फ्स में कैसे अरेंजमेंट की गई है, अगर वो जो भी है उन मतलब जितने भी तरीके के रैक्स कैबिनेट्स रूम्स रहते हैं उन सब का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो सब क्या हो गया, ग्रोथ हो गई. ये बुक स्टॉक जो लाइब्रेरी की जो ग्रोथ है हम ऐसा क्यों करते हैं, एक अच्छा कलेक्शन बनाने के लिए, राइट. अगर हम किसी चीज को चेंज करके किसी चीज में अपडेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इजी रिट्रीवल के लिए कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे रिट्रीव कर सके इंफॉर्मेशन को और अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सके. और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, एक अच्छा कलेक्शन, हमारे पास स्पेस की कमी ना हो. अगर हम सही कैबिनेट्स और रैक्स अगर इस्तेमाल करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स आ सकती है, अच्छे से अरेंज हो सकती है और इजिली रिट्रीव हो सकती है वहां से, तो वो लाइब्रेरी की ग्रोथ होगी और जिससे यूजर्स को बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, रीडर का देख लेते हैं. व्हेन द लाइब्रेरी फंक्शन प्रॉपरली इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, फर्स्ट लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, द रीडर ऑफ द लाइब्रेरी आर बाउंड टू ग्रो. दैट द मीन द रीडर नीड प्रॉपर फैसिलिटी बाय way of reading space and the new type of service need to be organized. जैसे कि इसमें बोला गया कि रीडर के लिए क्या है, अगर रीडर को ग्रो करना है तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, रीडिंग स्पेस जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूजर्स और जो हमारे रीडर्स हैं वो आके वहां पर पढ़ सकें और उनको अच्छी उनको न्यू टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए. ये चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए बाय लाइब्रेरी के थ्रू जिससे हमारा जो रीडर है वो ग्रो करे. ठीक है, ये बोला गया है कि हम सिर्फ स्टाफ बढ़ाने से, अगर स्टाफ की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इससे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है. हमें क्वालिटेटिव स्टाफ चाहिए जिसमें क्वालिटी हो, जो सर्विसेज है न्यू सर्विसेज को इनिशिएट कर पाए. ठीक है, जो न्यू सर्विसेज पे कैसे न्यू हम डेवलप कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, उस पे इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स बता पाए. ठीक है, और जो कि एक क्वालिफाइड स्टाफ हो, स्किल्ड स्टाफ हो, जिससे जो डिमांड है यूजर की और जो न्यू यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है उनको सेटिस्फाई कर पाए. द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द स्टाफ नीड टू बी अपडेटेड टू मीट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेज. जैसे कि मैंने बताया क्वालिफिकेशन और जो स्किल्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होनी अपडेट होनी चाहिए जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेज है. और द स्टाफ शुड बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू रिसीव ट्रेनिंग इन न्यू एरियाज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. न्यू एरियाज में उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. द मोटो ऑफ द स्टाफ शुड बी रेंडर इफिशियंट सर्विस एंड सेव द टाइम ऑफ द रीडर फॉर दिस पर्पज. Constant update of skills and growth in the professionalism by learning innovative techniques and new areas of professional development is necessary. तो ये एक मोटो होना चाहिए स्टाफ का भी कि वो एक रेंडर करे सफिशियंट सर्विसेज और जो टाइम है रीडर का वो बचाए और कंस्टेंटली अपने अंदर एक डेवलपमेंट अपने आप को अपडेट करता रहे. स्किल अपडेटमेंट होनी चाहिए और एक ग्रोथ होनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म कैसे हम लर्न कर सकते हैं इनोवेटिव टेक्निक्स को एंड न्यू एरियाज में जो कि हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, क्लासिफाइड एंड कैटलॉग. क्लासिफाइड एंड कैटलॉग में क्या है देखिए, तो वो यहाँ पर यही बताया
एजुकेशन स्कीम हम अडॉप्ट करें उसमें एक ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें आप कह सकते हैं कि एक जगह होनी चाहिए न्यू सब्जेक्ट्स की, और जो क्लासिफायर है, जो क्लासिफाई कर रहा है कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम से, उसको एक हर एक न्यू सब्जेक्ट के लिए और जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से एक यूनिक नंबर, क्लास नंबर प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या हो, एक इजियर रिट्रीवल हो, ठीक है। और जो कैटलॉग है, कैटलॉग को भी एक प्रॉपर प्रिंसिपल से उसे क्या कहते हैं उसको भी बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, रीडर्स की हेल्प हो और उनकी जो कहते हैं वो बेसिकली जो भी उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिडिंग आउट। बिडिंग आउट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिफ्थ लॉ का, बिकॉज बिडिंग आउट हमें करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम बिडिंग आउट नहीं करते हैं तो लाइब्रेरी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। द डेवलपमेंट प्लान फॉर द लाइब्रेरी शुड also include provision for weeding out obsolete books and adding new ones which are relevant and useful. Weeding out में basically क्या होता है, जो obsolete books हो जाती है, जिनका जिनके अंदर की जो information है वो बैकवर्ड हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, उसकी जगह नई इंफॉर्मेशन, नई एडिशंस, नई जो डेवलपमेंट्स है वो आ जाती है, तो हमें उसके साथ उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। हमें ऐसी बुक रख के कोई फायदा नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, और उसके हम तो हमें क्या करना चाहिए, जो बुक है ऑब्सोल्यूट वाली, ठीक है, उसको वीडिंग आउट करना चाहिए, और उसकी जगह में जो उसकी नई एडिशंस आई है, जहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूली फ्रेश है और रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, नीड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द करेंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करना चाहिए। विडिंग नीड्स नॉट नेसेसरली मीन द डिस्कार्डिंग ऑफ बुक्स, इट ओनली मीन रिमूविंग ऑफ बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी वेयर देयर रेलेवेंस हैज सीज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर करेंट एंड रेलेवेंट बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बस जो भी हमारी नेसेसरी वाली बुक्स है, इम्पोर्टेंट बुक्स है, उनको भी हमें विडन आउट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस क्या कर रहे हैं कि उनकी जगह पे जो रेलेवेंट बुक है, जो रिक्वायर्ड बुक है, जो न्यू बुक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस बुक को उस एब्सोल्यूट बुक से, उस आउटडेटेड बुक से रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमें टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, लाइब्रेरी की जो इफिशियंसी है, लाइब्रेरी की जो मेन मोटो है कि हाँ वहां जाके आपको आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे, वो सारा फुलफिल होता है, ठीक है। Such books may be stored where they are available for occasionally use. Different libraries in a region may cooperate in planning a storage facility for locating the weeding out books in a central place so that the reader in need of such books may go there and consult them. तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि वो weeding out की books जो है उनको फेंकते नहीं है, वो एक स्टोर हाउस बना लेते हैं और जो जो outdated books होती है उनको उस स्टोर हाउस में रख देते हैं। अगर कभी किसी यूजर्स को उन विडिंग आउट वाली बुक्स में से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो कंसल्ट कर सकता है लाइब्रेरी स्टाफ से, और देन वो उसको जो जहां पर विडिंग आउट की बुक्स स्टोर की गई है वहां पर उसको ले जाके उसकी जो रिक्वायर्ड बुक्स है वो उसको दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है, और विडिंग आउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ लॉ में, ठीक है। उससे बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम पहले के टाइम के हिसाब से चले, आजकल जैसे डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो सारी चीजें डिजिटली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। पर जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंट मटेरियल खत्म हो गया है, तो ये दोनों जो चीजें हैं, डिजिटल फॉर्म और जो प्रिंट फॉर्म है, वो पैरेलल है। वो हमें ऐसा नहीं है कि प्रिंट फॉर्म एकदम खत्म हो जाएगा, डिजिटाइजेशन आएगा और डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, ग्रो भी करेगा, प्रिंट वर्जन कम जरूर होगा पर वो कभी खत्म नहीं होगा, वो उसके साथ पैरेलली चलेगा। तो जो हमारे प्रिंट वर्जन है उसमें क्या होता था, वीडिंग आउट करना बहुत जरूरी होता था। समटाइम्स क्या होता था, अगर हम आउटडेटेड बुक्स को अगर हम वीडिंग आउट नहीं करते थे तो जो न्यू बुक्स आ रही होती थी उसके लिए स्पेस नहीं हो पाता था लाइब्रेरी में, तो ये करना भी बहुत जरूरी था। इससे क्या होता था, लाइब्रेरी ग्रो करेगी, अगर वो न्यू बुक्स को स्पेस, जगह नहीं देगी, देन कैसे उसकी लाइब्रेरी इफिशियंटली यूज हो पाएगी। हमें पता है कि ये सब कुछ आउटडेटेड बुक्स है जो यूज नहीं होती है इतनी फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम एक स्टोर हाउस में रख सकते हैं, जब कभी किसी यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये
स्ट्रक्चर बता दिया, चलिए हम देख लेते हैं। हमने फिफ्थ लॉ, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर लिया है।